नमस्कार दोस्तों, यूथ इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर हम आपको बता देना चाहते हैं। यूथ इंडिया के संपादक पर जानलेवा हमला, हाथ में लगी गोली, जान से मारने की धमकी देते हुए हमलावर फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस अधिकारी को दे दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बड़ी बात यह है कि संपादक ने पहले ही पुलिस को मुहैया करा दिया गया कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। संपादक ने रात में ही लोहिया अस्पताल में इलाज कराया। और आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। सर, आपके साथ क्या घटना हुई, पूरा क्या मामला हुआ है? अभी मसैनी चौराहे की तरफ से आ रहे थे, बाग लपूला किराए से आवास विकास की ओर मुड़े। दो बाइक सवार युवक थे, गाड़ी के आगे हमारी धीमे धीमे चलाने लगे। हमने सीचा उतार के रोका, हमने कहा भाई आगे चलो, लहरा रहे थे। इतने में उन्होंने गाड़ी रोकी, हमने गाड़ी रोकवाई, तब तक फायर कर दिया। हमारे हाथ में लग गया, ये पूरा हाथ खून से लहूलुहान हो गया। इसके बाद वो बाइक लेके भाग गए। फिर मैं लोहिया अस्पताल में तुरंत जो है परीक्षण कराया, उसके बाद कोतवाली फरुखाबाद में FIR कराई। FIR के लिए तहरीर दी है, अभी उन्होंने लिखी नहीं है। अपर पुलिस अधीक्षक को CO सिटी को और कोतवाल शहर को हमने बता भी दिया है, आगे जो भी कार्रवाई हो। पुलिस का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है अभी तक? आपको कोई पुलिस का नहीं पूछा? नहीं, SSI मिले भी तो उन्होंने कहा तहरीर दे दीजिए, बाकी हम देखते हैं सुबह। मतलब आप का मीडिया वर्ग के किस अखबार से हैं, क्या पूरा आपका? यूथ इंडिया, दैनिक सांद के हम संपादक हैं, और हमारा यहाँ पे तमाम गुंडा माफिया लोगों से विवाद चलता है, हम उनके खिलाफ खबरें छापे। इससे पहले आप सपा शासन में लगातार जो है लोगों का विरोध करते रहे, खबरें प्रकाशित की थी। भू माफियाओं के खिलाफ हमने अभियान छेड़ा था, जिसके कारण सभी लोग हम पे नाराज हैं। अभी उसी संदर्भ में कचहरी के महासचिव, फतेहगढ़ बार एसोसिएशन के महासचिव संजीव पारिया और उनके कई साथी दीवार में घुसे थे, लगातार धमकी दे रहे। तो हो सकता है कि उन लोगों को साजिश हो, लेकिन हमने किसी को पहचाना नहीं, अज्ञात युवक थे, लेकिन धमकियां लगातार दे रहे थे। पुलिस ने क्या मदद की अभी तक? पुलिस ने कोई मदद नहीं की, किसी प्रकार की भी कोई कार्रवाई नहीं की। फरुखाबाद कोतवाली की कोई, जिस क्षेत्र में आपकी घटना हुई है, क्या मौके पर कोई पुलिस पहुंची? नहीं, कोई मौके पर नहीं पहुंची। SSI थे, उन्होंने बहुत ही हल्के में उस मामले को लिया, बोले हम सुबह देखते हैं। हमारा काम था तहरीर देना, हमने दे दिया, बाकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इससे पहले भी आपके ऊपर बहुत सारे फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, तो क्या लग रहा है वही साजिश फिर से तैयार की जा रही है? हाँ, उसी तरीके की साजिश तैयार की जा रही है, और ये लोग जान के दुश्मन बने हुए हैं। कितने साल हो गए आपको ये सब मुकदमेबाजी करते हुए? करीब 2015 मार्च से ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं और लगातार हत्या की धमकी दे रहे हैं, और जिला प्रशासन ने हमारी सुरक्षा के लिए तारीख फतेहगढ़ न्यायालय में जाने के लिए तारीख पेशी पर हमारे लिए सुरक्षा भी तैनात कराई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने लगातार मांग की, हमको बाहर भी खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अभी 2-3 दिन पहले आपने व्हाट्सएप पे एक लेटर भेजा था कि हाँ, हमें धमकियां मिली थी। हम बार काउंसिल प्रयागराज में थे उस समय, वहाँ पे दीपक द्विवेदी एडवोकेट, शिव प्रताप सिंह चीनू, इन लोगों ने हमको धमकियां दी थी कि थोड़ा बच के रहिएगा, कचहरी में आएंगे आपके हमला हो जाएगा, आप ये मामले शिकायत सारी वापस कर लीजिए। हमने कहा कि ठीक है, हम DCI तक जाएंगे इस बात को लेके, हो सकता है, लेकिन हमने किसी को पहचाना नहीं, इसलिए हम किसी का आधिकारिक रूप से नाम लेना नहीं चाहेंगे। खबर अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूथ इंडिया लाइव, ताकि खबर और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। यूथ इंडिया लाइव।